अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेंटर्स इंटेलेक्चुअल हब। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग दरअसल में है क्या, स्टार्ट कहां से होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बच्चा कब अपना कैरियर प्लान कर सकता है एज अ पेरेंट या एज अ काउंसलर और एज अ टीचर, हमारा क्या रोल बनता है, इस सब पे हम बात करेंगे। मेरे साथ है मेरा दोस्त जावेद साहब। जावेद साहब, कैरियर काउंसलिंग दरअसल में है क्या? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेंटर्स इंटेलेक्चुअल हब। हमने जो टॉपिक चूज किया है वो है कैरियर काउंसलिंग आफ्टर 10th। यानी हमारा मकसद है कि 10th के बाद जिस बच्चे ने 10th के एग्जाम्स लिए, इफ हुआ या 10th पास किया है, उसको अपना एकेडमिक कैरियर कैसे चूज करना है। यानी इसका मतलब यह है कि उसको 10th के ही बाद ही ये फिक्स करना है कि उसे नीट के लिए जाना है, उसे सिविल सर्विस के लिए जाना है, उसे रिसर्च के लिए जाना है, या उसे किसी और हम कहेंगे फील्ड के लिए जाना है। इसी का नाम है कैरियर काउंसलिंग। यानी इसका मतलब यह है कि आपको आगे जाके, बहुत आगे जाके इन चीजों की फिर अवेयरनेस आती है। यानी इन चीजों के मुताबिक आप बहुत आगे सोचते हैं। जैसे मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं सिविल सर्विस के लिए, 12th के बाद सोचते हैं नीट के लिए, ठीक, पहले से प्लान ही नहीं किया, बिल्कुल। ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं रिसर्च के मुताबिक या किसी और फील्ड के मुताबिक इसके आगे सोचते हैं। 99% जो बच्चे होते हैं वो अपने कैरियर को राइट टाइम पे प्लान नहीं करते हैं। उसका मतलब फिर क्या होता है कि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या, वो उधर इधर भटक जाते हैं। यानी कभी वो एक फील्ड के साथ जाते हैं, कभी दूसरे फील्ड के पास जाते हैं, या उस फील्ड में जाने के बाद भी उन्हें पता नहीं होता है कि वो इस फील्ड में क्यों आए हैं। इसका मतलब होता है लैक ऑफ प्लान एट द राइट टाइम। राइट टाइम पे उन्होंने प्लान नहीं किया, ठीक है जैसा सब। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है लैक ऑफ अवेयरनेस की। एक तो अवेयरनेस नहीं है, ठीक, दूसरी है ऑल्टरनेटिव्स पता नहीं है, तीसरा है कि जो इनका विजन होता है वो शॉर्ट टर्म विजन होता है। बिल्कुल। यानी वो क्या करते हैं कि अगर मैट्रिक में इन्होंने सब्जेक्ट चूज किए तो ये सिर्फ देखते हैं कि मुझे 12th पास करना है। बिल्कुल। 12th तक उसको, 11th और 12th तक अभी ये पता ही नहीं कि मैंने ये सब्जेक्ट लिए है, ये क्यों लिए है। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस जो है और लैक ऑफ अल्टरनेटिव्स है या लॉन्ग टर्म में, उसके सॉल्यूशंस क्या है, बच्चे कैसे इन चीजों से निकल कर, वो इस फोबिया से निकल कर, या फोबिया भी है कुछ सब्जेक्ट्स का स्कोप है, जैसे मेडिकल में, जैसे अगर कोई बच्चा ज्यादा मार्क्स लेता है तो वो मेडिकल में चला जाता है, ठीक, अगर मार्क्स कम आ गए तो वो कहता है कि अब मेरे पास आर्ट्स या कॉमर्स है, ठीक है, या मैथ में अच्छे मार्क्स है, अगर उसकी एम थी डॉक्टर बनना, फिर वो कहता है कि मैथ में अच्छे मार्क्स है, फिर मेडिकल की तरफ जाता है। तो इन प्रॉब्लम्स से वो कैसे निकले, सॉल्यूशंस क्या है? पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की। देखिए प्रॉब्लम क्या है, 99% बच्चे 10th में पास होने के बाद नियर बाय हायर सेकेंडरी में एडमिशन लेते हैं। वहां पे क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होती है, उन दो चार कॉम्बिनेशनों में एक कॉम्बिनेशन को चूज करते हैं, ठीक है, ये मेजॉरिटी की बात करते हैं। ये मेजॉरिटी, कुछ कुछ हायर सेकेंडरी में ये भी प्रॉब्लम है सर, कुछ कुछ हायर सेकेंडरीज में कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब रिसेंटली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है, अगले साल से इंट्रोड्यूस हो रही है, इसी साल से इंट्रोड्यूस हो रही है, तो अब उस चीज की प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। एक हायर सेकेंडरी को बराबर को सारे सब्जेक्ट्स रखने जो एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन हुए। बिल्कुल। अब बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी मतलब आप फॉर एग्जांपल किसी की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ कुलगांव में नहीं मिल रही है तो अनंतनाग जा रहा है, ठीक, अब उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, अब उसको कुलगांव में भी वो सारे सब्जेक्ट मिल सकते हैं। लेकिन पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम की। एक प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, मेजॉरिटी क्या 99% ऐसे ही करते हैं। जब हम फील्ड में देखते हैं, बच्चों से पूछते हैं, बेटा आपने आर्ट्स क्यों लिया है, या आर्ट्स में आपने पॉलिटिकल साइंस क्यों लिया है, इकोनॉमिक्स क्यों नहीं लिया है, तो कहता है कि सर मैं जो हमारी नियर बाय हायर सेकेंडरी है वहां पे इकोनॉमिक्स नहीं लिया है। सही सीधा जवाब। अच्छा आपने आर्ट्स क्यों लिया है, मेरी परसेंटेज कम थी। अच्छा आपने मेडिकल क्यों चूज किया है, सर मेरे 99% आए थे 10th में। तो पहली बात यह है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस मीन्स
कि मेजोरिटी ऑफ बच्चे क्या चूज करते हैं, नियर बाय हायर सेकेंडरी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दोस्तों ने जो चूज किया है वही चूज करते हैं, या एक महीने में अगर एक बच्चे ने एक सब्जेक्ट चूज किया है तो चार पांच बच्चे वही सब्जेक्ट चूज करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लैक ऑफ अवेयरनेस, उन्हें अवेयरनेस की पता ही नहीं होती है। उन्होंने ये सब्जेक्ट चूज किए हैं क्योंकि नजदीकी हायर सेकेंडरी में यही सब्जेक्ट थे, या ट्वेल्थ के बाहर भी यही मसला होता है कि कॉलेज में बच्चों को जो कॉम्बिनेशन मिली है उन्होंने उसी दो चार कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन चूज की है। अब आगे इसका स्कोप क्या है, आगे आपको कहाँ जाना है, आप रिसर्च के लिए जा रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आप किसी और फील्ड के लिए जा रहे हैं, ये आपने चूज नहीं किया है। तो इसका मतलब ये होता है कि टेंथ के बाद ना तो आपकी प्लानिंग है, कैरियर प्लानिंग, ना तो आपकी काउंसलिंग हुई है, ना तो आपकी अवेयरनेस हुई है, यानी आपको अवेयरनेस का पूरा पता है, और न ही आपने अल्टरनेटिव्स पे गौर किया है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ वी कैन से दिस एडवाइस, एंड वी कैन से दैट लैक ऑफ अल्टरनेटिव्स, यानी अल्टरनेटिव्स का भी पता है। कुछ एग्जांपल्स ऐसे दीजिए कि बच्चों को लगे कि नहीं अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है हमारे पास, कुछ कंक्रीट एग्जांपल्स है आपके पास। बिल्कुल, देखो अल्टरनेटिव्स कितने हैं। अगर आप जा रहे हैं सिविल सर्विस के लिए तो आपको सिविल सर्विस का शौक है, आप चाहते हैं कि मैं सिविल सर्विस में जाऊं, तो उसके लिए आप अपना एम जो है वो फिक्स कर सकते हैं टेंथ के बाद ही। ठीक, बिल्कुल। आप नीट के लिए जा रहे हैं तो टेंथ के बाद ही। अगर आप जा रहे हैं रिसर्च के लिए तो आप ट्वेल्थ के बाद इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, हमारा जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है दो तीन साल से अब स्टार्ट हुई है, उसमें ऑनर्स भी होता है और उसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी होते हैं। इसी तरीके से क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहां पर भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है। आप एएमयू के लिए जा सकते हैं, आप जामिया मिलिया के लिए जा सकते हैं, या एक और चीज यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसके साथ तो उसके लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपकी परसेंटेज ठीक ठाक है, आप रिप्यूटेड कॉलेजेस जो है कंट्री के, आप उन कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इतना नहीं है कि टेंथ के बाद हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के बाद नियर बाय कॉलेज, नो दिस इज रॉन्ग। आपकी अवेयरनेस नहीं है, आपको अल्टरनेटिव्स का पता ही नहीं है। आप ट्वेल्थ के बाद क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए, आप कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं, आप जो ये जो नए इमर्जिंग सब्जेक्ट्स हो रहे हैं उनके लिए जा सकते हैं, तो आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, आप कश्मीर यूनिवर्सिटी के कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं, आप एएमयू के लिए जा सकते हैं। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आपको अवेलेबल है, आपको उन अल्टरनेटिव्स का पता लगाना है, आपको इस जो आपका एकेडमिक कैरियर है इस कैरियर के मुतालिक आपको एक्सपर्ट से बात करनी है, आपको प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से पूछ नहीं सकते कि आप कोई रिश्तेदार होता है किसी बच्चे का तो वो उससे मशवरा लेने जाता है तो उसको बोलता है कि आप हाँ ठीक है आप मेडिकल ले लो, बच्चा अंदर से मेडिकल के लिए तैयार ही नहीं, लेकिन उसको क्या किसने बोला है, अपना जो कजन है, कजन ने बोला कि नहीं आपको मेडिकल में लेना है तो ले लो। ये भी प्रॉब्लम है, एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है, बच्चा अगर जाता है तो नॉन एक्सपर्ट के पास जाता है, और जिनका हमारी सोसाइटी में काउंसलिंग सेंटर्स की कमी है। बिल्कुल, हमारी सोसाइटी वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक और बात यह है कि होता क्या है, फोबिया भी एक है, फोबिया ये है कि आपकी परसेंटेज ज्यादा है तो आप मेडिकल लीजिए, आपकी परसेंटेज कम है तो आप आर्ट्स लीजिए। बिल्कुल गलत बात है ये। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात ये है, इसके साथ ही एक और बात कि खुद ही लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट्स का स्कोप खुद ही बना डाला है और कुछ सब्जेक्ट्स का खुद ही नहीं बना डाला है। जैसे आप बच्चे से पूछिए कि आपने पॉलिटिकल साइंस क्यों लिया है, सोशियोलॉजी क्यों नहीं ली, तो कहेगा कि सोशियोलॉजी में सुकून नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में सुकून है। ठीक, आप बच्चे से कहिए कि अच्छा आप बताइए मुझे आपने उर्दू क्यों नहीं लिया है इस कॉम्बिनेशन के साथ, अगर आपको उर्दू अच्छा लिखना आता है, आप में उर्दू पढ़ने का शौक है, तो कहेगा सर उर्दू का स्कोप ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये एक मिथ है कि हर किसी सब्जेक्ट में स्कोप है। हाँ, कुछ इमर्जिंग फील्ड्स है, हाँ कुछ इमर्जिंग अल्टरनेटिव्स है, वहां पे आप लिख सकते हैं उन सब्जेक्ट्स को जो नई कॉम्बिनेशंस है या न्यू अल्टरनेटिव्स जो आते हैं उनको आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है, किस चीज का टैलेंट है, किस सब्जेक्ट में आपका टैलेंट बनता है, यानी आपका जो अंदर का वो कहेंगे टैलेंट, वो किस सब्जेक्ट को शूट करता है, बिल्कुल आप उसमें एक्सेल करते हैं। और मसला ये है, आप खुश हो, और मसला ये है कि आपको एक्सेल करना है। आप किसी भी सब्जेक्ट में जाइए, आप उसमें एक्सेल कीजिए तो सुकून बिल्कुल बनता है आपका।
लेकिन हमने क्या किया है कि हमने खुद ही डिसाइड किया है इस सब्जेक्ट का स्कोप नहीं है, इस सब्जेक्ट का स्कोप है, फलानी सब्जेक्ट का स्कोप नहीं है, इस सब्जेक्ट का स्कोप नहीं है। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी नेचुरल कॉम्बिनेशन होती है। नेचुरल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने ट्वेल्थ में पॉलिटिकल साइंस लिया है तो आपको जरूरी इसके साथ या हिस्ट्री लेनी है या इकोनॉमिक्स लेना है, लेकिन आपने क्या किया है पॉलिटिकल साइंस लिया है इसके साथ आपने सोशियोलॉजी ली है, आपने उर्दू लिया है, आपको पता ही नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का आपस में इंटर रिलेशनशिप है। हालांकि सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट की इंटर रिलेशन होती है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट की इंटरेक्शन होता है कि अगर बंदे को करना है कि मुझे करना है कॉम्पिटेटिव सर्विस एग्जाम कोई आईएएस के लिए या केएस के लिए, तो उसको पॉलिटिकल साइंस में जरूरी हिस्ट्री और इकोनॉमी के साथ लेनी है। उसका मतलब है कि आपको इसी को कहते हैं कैरियर प्लानिंग, इसी को कहते हैं ना कि आपको पता होना चाहिए उन सब्जेक्ट्स का। और दूसरा बड़ा मसला क्या होता है, दूसरा बड़ा मसला ये होता है कि आपने 11th और 12th में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, इसके साथ आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा, आप जब कॉलेज पे आ गए वहां पे पॉलिटिकल साइंस के साथ इकोनॉमिक्स है, अब बच्चा फंस गया, बोलता है कि इकोनॉमिक्स का मुझे पता ही नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं कि आपका जो विजन होना चाहिए, आपकी जो काउंसलिंग होनी चाहिए, आपको उसको पता होना चाहिए। सब ठीक है, एक बात होगी अब यहाँ पे लैक ऑफ काउंसलिंग की, ठीक। अब अगर कोई लैक ऑफ एवियर काउंसलिंग सेल है कहीं भी, आप बच्चा वहां पे जाके फिर वहां पे काउंसलिंग ले सकता है कि मुझे क्या करना है या मेरा फील्ड क्या है, मेरी डायरेक्शन क्या है। लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, वो है पेरेंट्स। ठीक है सर, रोल ऑफ पेरेंट्स भी बहुत बनता है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी रिसेंट एग्जांपल्स है, एमबीबीएस करके बच्चे आईएएस या केएस के लिए जा रहे थे, एमबीबीएस डॉक्टर 4 साल सर्विस की, पेशेंट्स को देखा, इवन एमएस सर्जरी में डॉक्टरेट्स की, पोस्ट डॉक करके भी बच्चे आईएएस के लिए या केएस के लिए, उनकी काउंसलिंग कहां पे प्रॉब्लम हुई, उनको प्रॉपर काउंसलिंग उनकी हुई ही नहीं है। और दूसरा ट्रेन है। ट्रेन का मतलब क्या होता है, ब्रेन ड्रेन है ना। ये जो बच्चा एमबीबीएस 6 साल करने के बाद सिविल सर्विस में चला गया, उसने धोखा दे दिया, तो उसने मेडिकल कॉलेज में सीट निकाली है, वो तो अपनी सोसाइटी को उस तरीके से सर्व कर सकता था। अगर उसका विजन पहले ही ये था ना कि मुझे सिविल सर्विस में जाना था, तो फिर उसका विजन जाना ही नहीं सर, वहां पे उसका विजन है ही नहीं, वहां पे तो मुझे लगता है कि घर वालों की फोर्स, क्योंकि उसका विजन अगर पहले से ही होता तो वो नहीं जाता मेडिकल में। क्योंकि ये हमने बनाया कि आपको 95% आ गए एज अ पेरेंट एज अ गार्डियन, मैं इसको कहता हूँ कि नहीं आपको मेडिकल करना ही करना है, बिल्कुल हमें सिर्फ यही पता है। इवन आप पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे को बोलिए, इस वक्त पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ बच्चा, उसको बोलिए कि माय एम इन लाइफ लिखिए, ऐसे लिखिए माय एम लाइफ, वहां पे भी लिखेगा माय एम इन लाइफ इज टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर, सिर्फ दो एम्स है। पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है इस वक्त सोशियोलॉजी में कर रहा है स्टूडेंट, उसको आप बोलिए कि ऐसे लिखिए, वो लिख रहा है कि माय एम इन लाइफ इज टू बिकम अ डॉक्टर, कैसे बन सकता है। सही बात है, तो इसी का मतलब ये है कि हमने जो कहा कि 10th के बाद आप अपने कैरियर की प्लानिंग कीजिए, आप अवेयरनेसेस को देखिए, आप अल्टरनेटिव्स को देखिए, अल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं, आपको अल्टरनेटिव्स का पता ही नहीं है, अवेयरनेस की कमी है आपको, आप एक्सपोर्ट से एडवाइस लीजिए, उन लोगों से एडवाइस लीजिए जो जिनको प्रॉपर नॉलेज उन सब्जेक्ट्स की है, और इसके बाद आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज कीजिए। ऐसे ही सब्जेक्ट चूज मत कीजिए, एक आपके नियर बाय हायर सेकेंडरी में 2 ऑप्शंस है, वहां पे आपका शूट नहीं होता तो आप किसी और हायर सेकेंडरी में एडमिशन लीजिए। आपको लगता है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में अभी सेमेस्टर सिस्टम में आपका टाइम ज्यादा जाता है ग्रेजुएशन में, तो आप इंटीग्रेटेड के लिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कीजिए, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाइए। आपको लगता है कि मैं अपने रिसर्च करना जा रहा हूँ, आप एएमयू जाइए, आप जामिया मिलिया जाइए, बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल है, आप उन अल्टरनेटिव्स पे आप उन अल्टरनेटिव्स को देखिए, आपको अवेयरनेस की कमी है, और आप ठीक से अपने कैरियर की प्लानिंग 10th के बाद ही चूज कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो आप 12th के बाद चूज कीजिए, ग्रेजुएशन के बाद प्लानिंग नहीं होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्लानिंग नहीं होती है। हाँ अगर हो भी जाएगा आप किसी फील्ड में जाओगे भी, लेकिन तब भी आप उस फील्ड में आखिर ऐसा ही होता है कि आप एमडी करने के बाद सिविल सर्विस में चले जाते हो, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद नायब तहसीलदार का एग्जाम देते हो। इसी को कहते हैं लैक ऑफ काउंसलिंग, इसी को कहते हैं कि लैक ऑफ प्लानिंग, ऐसा ही होता है। फिर इसके साथ इससे क्या होता है, इससे ब्रेन ड्रेन होता है, इससे धोखा भी होता है कि आपने पहले सीट निकाली, 5-6 साल आपने काम किया, वहां आपने फैसिलिटीज अवेल किए, फिर आप किसी और फील्ड में चले गए। अगर ये सीट किसी और को मिलता है जिसका एम था इसी में, तो बेटर वही होता कि आप उस फील्ड में एक्सेल आपने किया होता, और वो जो दूसरा बंदा था उसने उसी फील्ड में एक्सेल किया होता।
तो जैसा इस सिलसिले में थोड़ी मुझे आप में बहुत सालों से आप काउंसलिंग से मुंसलिक हो, कुछ ऐसे एग्जाम्पल कंक्रीट एग्जाम्पल जहां पे आपने किसी बच्चे को मदद की है किसी कोस्टल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए या यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एडमिशन लेने या एएमयू में मदद, यानी कि बच्चे को पहले से ही आपने थोड़ा गाइड किया है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है कुछ? 2018 और 2019 का मैं आपको बताऊं, 2018 में मैंने क्लास 12th में लगभग 10 बच्चों को सिलेक्ट किया था जिनको पहले मैंने ये बताया कि आप इसके बाद करना क्या चाहते हैं, तो उसमें से 10-12 बच्चे ऐसे थे, 2-3 बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि हम एएमयू जाना चाहते हैं। तो पिछले साल अगर मैं 2019 की बात करूं तो 3 बच्चे ऐसे थे कि जो ऑनर्स में चले गए और एएमयू में चलेंगे, उनमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम है तो उसकी भी बच्चों को पता ही नहीं है। देखिए अगर 12th में आपकी परसेंटेज ठीक ठाक है, आप कंट्री के रिप्यूटेड कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत बिल्कुल उन कॉलेजेस में जा सकते हैं, फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। इसके बाद लगभग पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के नियर अबाउट 10-12 बच्चे ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के थे जिनको मैंने काउंसलिंग की, जिनको मैंने गाइडेंस प्रोवाइड की इन एग्जाम्स के मुताबिक, तो 10 बच्चे ऐसे उसमें थे जिनका क्लस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में। उनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटीग्रेटेड हिस्ट्री में हुआ, इंटीग्रेटेड पॉलिटिकल साइंस में हुआ, और एक बच्चा ऐसा भी था जिसका इंटीग्रेटेड मास कम्युनिकेशन में हुआ, यानी उसका मास कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड में 12th के बाद ही। तो बिल्कुल अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, अगर कोई बच्चा जाना चाहता है यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में जाना चाहता है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहता है, एएमयू के लिए जाना चाहता है, जामिया मिलिया के मुतलिक जाना चाहता है, या कश्मीर यूनिवर्सिटी भी कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको बता सकते हैं फॉर्म कब निकलते हैं, इसका सिलेबस क्या है। या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जा सकते हैं, यानी जिनका विजन होता है, अभी तक तो बहुत अवेयरनेस आई है, अब बच्चे मैट्रिक के बाद ही बताते हैं कि मुझे सिविल सर्विस के लिए जाना है, मुझे कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जो भी बच्चे आज हमारे इस वीडियो को देखेंगे या जो भी पेरेंट्स देखेंगे कि कम से कम अपने बच्चे के कैरियर का प्लान आप 10th के बाद ही कीजिए और सारे अल्टरनेटिव्स को देखिए, अवेयरनेस पूरी लीजिए, इसके बाद आप इंक्लिनेशन भी देखिए बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि ये जो आगे जाके हम प्लानिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है, ब्रेन ड्रेन ना हो, राइट टाइम पे राइट बच्चे को राइट कॉम्बिनेशन मिले, राइट सब्जेक्ट मिले, और उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो टैलेंट होता है उसका भरपूर जो फायदा हो वो सोसाइटी को मिले, उसी का जो हमारा जो मकसद है वो ही हमारा मकसद है। थैंक यू सर। इस सिलसिले में हमारा जो मेंटर्स इंटेलेक्चुअल हब का जो रोल है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी बच्चे को काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं? आप हमें अपने सजेशंस या कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग योर करियर प्लानिंग है, आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हमारे मोबाइल नंबर्स ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि जो ब्रेन ड्रेन आगे होता है वो ना हो और जो भी बच्चा जिस भी फील्ड में जाए कम से कम वो उस फील्ड का मास्टर बने और सोसाइटी को कुछ मिले। तो इसी मैसेज के साथ मैं एक और बात यहाँ एक बार सब ऐड करूं कि जो बच्चे 12th के एग्जाम में अभी अपीयर हुए हैं, जिनका एग्जाम कंप्लीट हुआ है, वो ये फिक्स करे कि उन्हें सिविल सर्विस के लिए जाना है, उन्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जाना है, या उन्हें रिसर्च के लिए जाना है, उस सब्जेक्ट में आगे उनको ज्यादा पढ़ना है, तो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को उसी अंदाज से चूज कीजिए। और एक और बात आप जहन में याद रखिए कि सिर्फ आपका नजदीकी कॉलेज नहीं है, आपके पास क्लस्टर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन अवेलेबल है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स का ऑप्शन आपको अवेलेबल है, और आपको कुछ इमर्जिंग फील्ड्स यानी इमर्जिंग कुछ सब्जेक्ट्स है उनका भी आपको अल्टरनेटिव अवेलेबल है, आप एएमयू के लिए जा सकते हैं, आप जामिया मिलिया के लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ दिमाग में ये मत रखिए कि मुझे पास होने के बाद फलानी कॉलेज में जाना है, मुझे फलानी सब्जेक्ट लेना है, इसलिए आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको ये सारी एडवाइस जितना हमें पता है वो आपको आप तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको मदद मिले। थैंक यू वेरी मच।